हेलो दोस्तों, जियाल संस्या मिशन यूट्यूब चैनल में आपका अपना स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं केमिस्ट्री ऐच्छिक विषय आईएससी, जो आज इसकी एग्जामिनेशन हुई है 3 फरवरी 2021 को। इसका सॉल्यूशन लेकर के हम आए हैं और सबसे सटीक व्याख्यात्मक, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने जो क्वेश्चन सेट है वो जी है। और आइए इसका हम लोग आंसर देखते हैं, फटाफट आंसर देखें। पहला क्वेश्चन है सेट जी में, पहला क्वेश्चन है कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है, तो इसका ए नंबर होगा फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर गौर करेंगे ए बी सी तत्वों का मानक अपचयन मतलब रिडक्शनल पोटेंशियल दिया हुआ है। रिडक्शनल पोटेंशियल में देखेंगे कि जो निगेटिव होगा, जो सबसे ज्यादा निगेटिव होगा, वो सबसे ज्यादा उसका रिडक्शनल पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो कहता है विभव का मान क्रमशः इतना 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 है, तो अपचयन की शक्ति होगी इसकी। तो सबसे पहले देखिए निगेटिव में ये, सबसे ज्यादा निगेटिव में ये, तो इसको एक नंबर दे देते हैं, ये दो नंबर पर आ जाता है और ये तीन नंबर पर आ जाता है। तो क्रम क्या बनता है इसका, एक ये बी, सबसे पहले बी, उसके बाद सी और सबसे लास्ट में डी, बी सी डी। तो यहाँ पर डी नंबर का इसका आंसर होना है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। तीसरा क्वेश्चन है इंजाइम है, तो इंजाइम एक प्रोटीन है। यहाँ पर कहता है सल्फाइड अयस्कों का संधारण किया जाता है फेन प्लवन विधि से, चौथा नंबर। पांचवा, टिंडल प्रभाव पाया जाता है तो सॉल में पाए जाते हैं, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उसमें यह टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। छठा क्वेश्चन कहता है कि एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। तो एल्किल हैलाइड जो होती है, जैसे आर एक्स कर लें और यहाँ पर हम लोग सोडियम दे देते हैं, इसके दो मोल लेते हैं, तो इसको हम लोग उर्ज रिएक्शन कहते हैं, उर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो इसमें उर्ज रिएक्शन ए नंबर का, छः का ए ऑप्शन सही होने वाला है। उसके बाद आइए हम लोग सात नंबर देखते हैं क्या कहता है। सात नंबर कहता है कि क्रोमियम टेट्रा एक्वो क्लोरीन क्लोराइड क्रोमेट थर्ड, इसका नाम होता है आईयूपीएसी नेम, संकुल में सी आर का ऑक्सीकरण संख्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका कि ये एक्वा एच टू ओ जो है, एच टू ओ न्यूट्रल है, यहाँ पर ये -2 है, इस पर +2 +1 लगा हुआ है, तो -2 तो इधर +2, इधर क्या हो जाएगा +1, तो +2 +1 +3, इसका बी नंबर सात का बी ऑप्शन आंसर सही होने वाला है। अभिक्रिया ओ एच सी एच टू बॉन्ड सी एच ओ एच बॉन्ड एल्डिहाइड, यहाँ पर आइडोफॉर्म देगा, एन हेक्सेन दे रहा है, यहाँ पर क्या बनेगा, एन हेक्सेन मतलब नॉर्मल हेक्सेन बनता है ये। कहता है अगला क्वेश्चन है नौ नंबर में, निम्न में से किस में पी पाई डी पाई आबंधन पाए जाते हैं, तो जिसमें डी ऑर्बिटल होगी उसी में डी आबंधन होगा। तो यहाँ पर एन ओ, एन में भी डी नहीं है, ओ में भी डी नहीं है, यहाँ पर सी ओ, सी में भी डी नहीं है, ओ में भी डी नहीं है, यहाँ पर भी बोरोन में भी डी नहीं है, ओ में भी डी नहीं है, यहाँ पर सल्फर, सल्फर में डी ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन में पी ऑर्बिटल है, यहाँ पर डी पाई पी पाई डी पाई आबंधन दिखता हुआ नजर आ रहा था, इसका आंसर डी, नौ का डी होना है। दस नंबर कहता है कि वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं, तो वर्ग 16 के तत्व को हम लोग चेक्लोजेन कहते हैं, यहाँ पर देख लीजिए इसमें हिंदी में कैल्कोजेन, यहाँ पर चेक्लोजेन कहते हैं इसको। दस नंबर, ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट है ये, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज्यादा संक्रमण अवस्था कौन दिखाता है, निकेल है 2 ऑक्सीकरण संख्या, फेरस है तो 2 एंड 3, Mn है +2 में आ जाता है, तो यहाँ पर Cr सबसे ज्यादा संक्रमण दिखाता है, चूंकि ये एक्साइटेड स्टेट में भी जाता है और ग्राउंड स्टेट में भी रहता है, अतः इसका आंसर बी हो जाना है। अगला कहता है 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर संक्रमिक रूप से भरता है, एक्टिनाइड हो जाएगा, लेंथेनाइड भी होना था पर यहां पर क्या होगा, एक्टिनाइट होगा, यदि एक्टिनाइट नहीं होता तो यहां पर लेंथेनाइट होता। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है कि 4F, यहां पर 13 नंबर क्वेश्चन कहता है के थ्री सी आर ऑक्जिलेट हॉल 3 में सी आर का उपसंयोजक संख्या, यहां पर देखिए ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट का जो डेंटिसिटी होती है वो 2 होती है, तो 2 × 3 = 6, इसका आंसर जो होने वाला है डी, 13 का डी। 14 नंबर कहता है कि किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ बराबर हो जाता है, ई सेल बराबर ई नॉट माइनस जी एफ एन, ये आ जाता है, तो इसको यहाँ पर क्या होना पड़ता है, धनात्मक होना पड़ता है, तब जाकर के ये निगेटिव होगा, चूंकि इसको निगेटिव में आना है, आता है ये क्या हो जाता है, धनात्मक, 14 का ए। उसके बाद देख लीजिए 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है आपके सामने, 15 नंबर का क्वेश्चन है अभिक्रिया सी एच थ्री सी एन एसिडिक माध्यम में उत्पाद कौन सा बनाएगा, एसिडिक माध्यम में उत्पाद कौन सा बनाएगा, तो यहाँ पर क्या बताए हैं कि ये एसिड एसिड एमाइड बनाएगा, ये सी नंबर का ऑप्शन, 15 का सी। कहता है निम्न में से कौन सा बंधन सबसे प्रबल होता है, तो एफ एफ बॉन्ड जो होता है इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है, अतः एफ और एफ के बीच जो आबंधन बनेगा वो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, 15 का सी, 16 का ए। 17 नंबर कहता है विटामिन ए कहलाता है, विटामिन ए रेटिनॉल कहलाता है, 17 का बी ऑप्शन सही है। उसके बाद आइए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर कहता है कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु जो सबसे कम रिएक्टिव होगा वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाएंगे, अतः सोना स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु है। लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कैथोड का आयनन बना करके खारे जल में रख करके, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को तत्काल हम स्किप करते हैं, नहीं ये आंसर सही है, हो सकता है मे बी, पर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसको स्किप करते हैं। 19 को 20 में आते हैं, कहता है कि इथॉक्सी इथेन, तो यहाँ पर देखिए ये इथेन है और ये भी इथेन है और ये इथर है, तो नाम पड़ गया इथॉक्सी इथेन, 20 का सी।
आइए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या कहता है कि निम्न में से किस में मैग्नीशियम है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाए जाते हैं, एमजी जो होता है इसका सेंट्रल मेटल, इसको कहते क्या है, तो इसको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं, ये सब के सब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाए जाते हैं। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, यहां पर सक्रियण ऊर्जा लिखा हुआ है, तो 22 का सी आंसर हो जाना है। उसके बाद आइए 23 नंबर, कहता है कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होता है तो केमिकल से कम होता है, 20 से 40 किलो जूल पर मूल, ऐसा इसमें इसकी डाटा दी गई है। आइए 23 नंबर का, 23 का ए, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 24 नंबर क्या कहता है। 24 नंबर कहता है कि SN2 अभिक्रिया में निर्माण करता है, ये संक्रमण अवस्था को दर्शाता है, किस अवस्था को, संक्रमण अवस्था में आ जाते हैं फिर ये SN1 SN2 रिएक्शन, और फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है, तो डीजल लाइक डीजल फॉर्मूला से जिसमें हाइड्रोजन आबंधन होगा वही जल में विलय होगा, अतः ये इसमें विलय है, ये सी नंबर, 25 का डी, 24 का बी, 25 का डी। 26 नंबर कहता है कि कार्बोनिल समूह में कार्बन का कौन सा संक्रमण प्रसंकरण माने हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहां पर देखिए डबल बॉन्ड है अतः इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना है, 26 का बी। 27 कहता है कि फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ में गर्म करने से क्या प्राप्त होता है, तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं क्या फटाक से, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 28 नंबर क्या कहता है कि अभिक्रिया C6H5N, यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये क्या कहते हैं इसको, ये लवण है और ये एसिडिक मीडियम में क्या करता है कि उत्पाद बना रहा है, अतः ये फिनॉल दे देता है, तो 28 का बी। 29 नंबर का आता है निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल होगा, यहाँ पर SN2 में रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन हो रही थी यहाँ पर अमोनिया दे देगा, ये बी नंबर, 29 का बी नंबर। कहता है कि 30 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मीठा अभिकारक, यहाँ पर देखिए सैकेरिन भी है एस्पारमेट भी है पर इसकी कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर एक ऑप्शन इनमें सभी है तो ये दोनों है तो इसमें डी नंबर आंसर, 30 का डी। आइए 31 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 31 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, तो प्रोटीन जो है प्राकृतिक बहुलक है, 31 का ये। 32 नंबर कहता है कि हेक्सा एमाइड प्लेटिनम फोर, पहले ऑक्सीकरण संख्या 4 देखिए, एमीन जो है यहाँ पर एमीन न्यूट्रल होता है, तो एमीन न्यूट्रल होता है तो इसको 4 निगेटिव चाहिए इसको पॉजिटिव होने के लिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 32 का भी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, अक्रिस्टलीय ठोस, पढ़ने में गलती ना करें, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, 33 का सी नंबर, कांच जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस है। 34 नंबर देखते हैं क्या कहता है, निम्न में कौन अनुसंख्य गुणधर्म है, कौन श्यानता नहीं है, पृष्ठ तनाव नहीं है, अपरतनांक नहीं, अतः प्रसरण दाब, तो 34 का डी नंबर ऑप्शन सही होने वाला है और हो रहा है। आगे देखिए 35 नंबर का कहता है कि एक मोल Al3+ Al में अपचयन कितने आवेश होंगे, तो यहाँ पर देखिए एक मोल में जब लेते हैं हम लोग और एक इलेक्ट्रॉन की बात हो तो यहाँ पर हो जाता है 96,500 कूलम, मतलब एक फेराड होता है, यहाँ पर तो एक हाइड्रो एक इलेक्ट्रॉन की बात हुई है और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 96,500 में हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, लगभग लगभग ए नंबर का आंसर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो 35 का ए नंबर। 36 का कहता है बेरवादार ठोस कौन सा है, तो हीरा ग्रेफाइट नमक ये सब रवादार है, अतः रबर बेरवादार है, इसी को भाषा बदल करके दिया है और क्रिस्टल या क्रिस्टलीय करके दिया है, तो 36 का डी देखते भी जाइए। अभिक्रिया C2H5Br अल्कोहलिक उत्पादन हो रही है, यदि यही एक्वस में होता तो ये अल्कोहल बना देता, पर ये अल्कोहलिक में हो रहा है, ऑलरेडी अल्कोहल है तो ये क्या कर देगा, ये डिहाइड्रेशन करवा करके इथिन का निर्माण कर देगा, तो 37 का ए नंबर। 38 का क्वेश्चन देखते हैं, 38 क्वेश्चन क्या कहता है, 38 नंबर का कहता है कि फोटोग्राफिक प्लेट में किसका आवश्यक घटक है, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड का ये घटक लेप चढ़ी होती है उस पर, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए, 38 का बी। 39 का किस कोटि अभिक्रिया के लिए वेग व वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया में ये आर बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पर डायमेंशनली मतलब कि इक्वेशनली सॉरी क्या कहते हैं यूनिट के दृष्टिकोण से ये बराबर हो जाता है, तो ए बराबर ए 39 का ए ऑप्शन होगा। कहता है 40 नंबर में कि निम्न में किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होती है, तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया एल्डाइड में होगी, तो डी नंबर के तो 40 की डी। उसके बाद आते हैं 41 नंबर, कहता है कि क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है, तो यहां पर बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड CaNH4Cl 41 का ए। 42 नंबर कहता है कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, एनसीईआरटी बुक में स्पष्ट नोट में लिखी हुई है मोलल ताप ppm कौन कौन, तो एक तो यही हो गया, एक ppm हो जाएगा और कौन हो जाते हैं, एक मोल फ्रैक्शन हो जाते हैं, मोल फ्रैक्शन ये 1 2 3 तीन को जो है ये ताप से प्रभावित नहीं होती, अतः बी नंबर 42 का बी आंसर सही होने वाला है। 43 कहता है अभिक्रिया, यहां पर 2x दिया हुआ है और यहां पर देख लीजिए ये कि अल्काइल हैलाइड है माने एराइल हैलाइड है, सोडियम और इथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है, इसको ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन कहते हैं, ये यदि होता तो ओपन चेन में होता तब, ये हो रहा है क्लोज चेन में, सी नंबर का आंसर 43 का सी होगा।
44 नंबर क्वेश्चन देख लें क्या कहता है। 44 कहता है कि फिनॉल सैलिसाइल्डिहाइड एल्डिहाइड में निम्नलिखित में से अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो यहाँ पर इसको कॉलवे रिएक्शन कहते हैं। यदि फिनॉल सैलिसाइल एल्डिहाइड से परिवर्तन करें, प्रतिक्रिया करें, तो कॉलवे रिएक्शन कहलाता है। प्राथमिक एमीन की पहचान, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। कहता है कार्बो एस्कर्बिक अम्ल है, तो एस्कर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहा जाता है, एक विटामिन है। तो यहाँ पर 44 का देखें आप बी, 45 स्किप करते हैं, 46 नंबर का ए देख रहे हैं, 46 का ए। जल्दी जल्दी में आंसर उसकी नहीं खोज पाए। कहता है कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है उसे ज्वरनाशी कहते हैं या एंटीपायरेटिक कहते हैं। 47 का ए नंबर सही होगा। 47 से 48 कहता है रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान, मतलब अपने स्थान को छोड़कर क्या खाली स्थान में वैकेंट स्थान को ग्रहण कर लेता है, तो उसको अपन फ्रेंकल, मतलब फ्रेंकल दोष कहते हैं। कौन से? फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं। तो 48 का बी। 49 नंबर कहता है कि CaNO3 में वन टॉप फैक्टर, सबसे पहले देखिए ये एक मोल है, ठीक। इसको जब जल में घोलेंगे तो ये हो जाएगा Ca+2NO3, तो 2 1 3 मोल, तो 2 1 3 मोल। I बराबर जो मोल पहले लिए थे और जो बाद में आया था, 3 - 1 = 2, तो इसके वन टॉप फैक्टर 2 हो जाएंगे। तो 49 का बी। देखते हैं 50 नंबर क्या कहता है। मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उत्पन्न करता है। यहाँ पर देखिए एंजाइम भी उत्पन्न करता है, डीएनए भी उत्पन्न करता है, हार्मोन्स भी उत्पन्न करता है, पर विटामिन भी उत्पन्न करता है। विटामिन कौन उत्पन्न करता है? तो B12 माने बी कॉम्प्लेक्स उत्पन्न करता है, फिर भी उसके अलावा और कोई विटामिन नहीं करता। तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता जुलता नजर आ रहा है सी नंबर का, तो 50 का सी। उसके बाद कहता है ZnZn2 CU, ZN है और CU, ये सेल दिया हुआ है, पूर्ण सेल है। कहता है किस सेल का? तो ये डेनियल सेल का उदाहरण है, डेनियल सेल कहते हैं। CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है, तो यहाँ पर फिर एमिन प्राप्त हो जाता है। अवकरण करवाते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, इसका इसमें हाइड्रोजन आकर के ऐड हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, फिर CH3CNH2 ये बन जाएगा। तो इसको कंडेंस रूप में क्या कर सकते हैं, C2H5NH2 कहते हैं। 53 नंबर कहता है कि सबसे प्रबल अम्ल है, तो सबसे प्रबल अम्ल, अम्लीयता तब बढ़ती है जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ने से ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, अतः ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्रबल अम्ल, अम्लीयता तब बढ़ती है जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है, तो 53 का ए। आइए 54 नंबर कहता है, यहाँ पर 54 का कोई ऑप्शन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसको सॉल्व करने पर प्राप्त चला है कि 0.5 इसकी मोलारिटी होनी चाहिए, पर इसकी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, आगे देखेंगे। तो 54 को स्किप करते हैं। 55 कहता है कि निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन है? तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रही है सूर्य के प्रकाश में, यहाँ पर क्लोरीन का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, यहाँ पर COCl2 बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, COCl2 बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं 55 का देखें सी। 56 नंबर का IUPAC प्रणाली में एसीटोन को क्या कहते हैं, ये कीटोन है, क्या कहते हैं इसको, कीटोन, CCOC। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, तीन कार्बन है, ऑन लगा लेते हैं, इसको प्रोपोनोन कहते हैं, प्रोपेनोन, सी नंबर का। 56 का सी आंसर हो। 57 का कहता है अनुचुंबकीय प्रदर्शित करता है, H2O नहीं करता है, NaCl नहीं करता है, C6H6 नहीं करता है, यहाँ पर O2 अनुचुंबकीय माने पैरामैग्नेटिक क्या हो जाता है, O2 हो जाता है, तो 57 का बी। 58 देखते हैं क्या कहता है। 58 कहता है कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, तो मिथाइल एमीन बनाने के लिए हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ही काफ़ी हो जाती है। फ्रीडल क्राफ्ट से एमीन नहीं बनते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। उसके बाद 58 का बी। 59 का कहता है कॉपर पाइराइट का अनुसूत्र होता है, ये सबको याद किए होंगे, बी नंबर का CuFeS2, कॉपर पाइराइट कहते हैं उसको। 1 mm ग्लूकोज और इतना एम में विलयन का हिमांक कितना गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको देखिए ग्लूकोज टूटता नहीं है, पर MgCl2, तो Mg+2Cl हो रहा है, Mg+2Cl, तो 2 मोल इधर 2 मोल इधर, तो 3 मोल हो रहा है, तो जितना गुना आई बढ़ेगा उतना गुना लगभग 3 गुना बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो 60 का सी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। इसमें से कहता है कि ज्यूटर आयन कौन बनाएगा, तो सी नंबर का ज्यूटर आयन बनाएगा, यहाँ पर CH3CH2NH2 यही ज्यूटर आयन का निर्माण करेगा। कहता है कि प्रगल विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन का प्रमुख है, तो प्रगल विधि में देखे होंगे CO को उसमें क्या किया जाता है, सॉरी CO को नहीं, कार्बन को उसमें मिक्सिंग किया जाता है, अपचयन करते हैं, तो बी नंबर। तो 62 का कितना होगा, बी नंबर, कार्बन कोक के साथ इसको गर्म करते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया, तो 62 का बी। 63 नंबर कहता है एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B बनाता है C, तो शून्य कोटि अभिक्रिया है, तो इसकी टोटल जो पावर होनी चाहिए वो X=0 होनी चाहिए, तो यहाँ पर जोड़ करके 0 हो रहा है, तो ए नंबर का, 63 का ए। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, तो रासायनिक अधिशोषण में केवल यूनि लेयर होते हैं, यूनि लेयर होते हैं, एक लेयर होते हैं, तो 64 का ए नंबर आंसर सही होगा। बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो फिनॉल किसके साथ अभिक्रिया करके बेकेलाइट बनाता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया, तो 65 का सी। 66 का था उपसंयोजन यौगिक K4NiCN4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या, तो यहाँ पर देखिए ये CN है, -1 होता है, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा, और यहाँ पर +4 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, निकेल का 0। 66 का ए नंबर। कहता है कि 67 नंबर कहता है, 66 का 67 कहता है कौन अधिक क्षारीय है, तो कौन अधिक क्षारीय है इसके लिए कहते हैं कि मतलब जिसकी सी नंबर का ऑप्शन सही है, इसकी थ्योरीज है कि जिसका
पी के बी कम होगा, पी के बी कम होगा, उसकी अम्लीयता ज्यादा होगी। तो यहां पर सी एच थ्री एन एच टू का पी के बी कम है, अतः इसकी क्षारीयता ज्यादा है। 67 का सी। 68 नंबर कहता है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र है, जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो एन सी एन एच टू एन प्लस टू होना चाहिए, तो एक तो हटेगा एच, तो वन आ ओ एच, तो यहाँ पर ए नंबर। 68 का ए। 69 कहता है कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो याद रखना ये इमल्सन का उदाहरण है, पायस का। इमल्सन भी दो प्रकार के हो जाते हैं, पायस दो प्रकार के होते हैं, तो ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, तो उसी में से ये पायस का उदाहरण है, मिल्क। कहता है कि गेलेना किस धातु का अयस्क है, तो पीबी का अयस्क है। 70 नंबर। इस प्रकार सारे क्वेश्चन का आंसरिंग हो गया है, जो स्किप किए हैं उसको एक बार गौर से देखेंगे। हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास भी चलती है, आप ज्वाइन कर सकते हैं न्यू साइंस कोचिंग सेंटर निर्मली में। यहाँ पर सारे विषय के समुचित समाधान आपको मिलेंगे। धन्यवाद।